हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेने वाला हूं। मैं आप लोगों के एक क्वेश्चंस लूं उस पर बात करूं, उससे पहले अभी मैंने एक लाइव किया जिसमें मैंने बात किया कि आपका कंप्लीट इंसेंटिव का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है और उसमें मिनिमम कितना इंसेंटिव आपको मिल सकता है और मैक्सिमम कितना मिलेगा। इन चीज़ों पर मैंने बात किया है। जो ये वीडियो है ये आपको मिलेगा मेंबर्स ओनली पे। तो जिन लोगों को मतलब इंटरेस्ट है इसमें या जो लोग जानना चाहते हैं इन चीज़ों के बारे में, तो आप सबसे पहले हमारा मेंबरशिप लीजिए और उसमें जा करके आप ये वाला वीडियो देखिए। और ऐसे और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आएंगे। और मैं जैसे बात किया कि लाइव का, तो अभी आपने देखा कि मैंने एक लाइव किया था जो पब्लिक किया था, और अभी ये मैं जो लाइव किया हूँ ये सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए था। और अभी आगे मैं हर संडे को जो लाइव करूँगा वो मेंबर्स ओनली पे आएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो आप वहां जा करके आप वीडियो देख सकते हैं, वहां क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हमारे लाइव में आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आप अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए। अब हम आप लोगों के एक एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या फिर से बैंक्स का नेशनलाइजेशन हो सकता है क्या? नहीं, देखो अभी क्या है, अब इसकी गुंजाइश तो नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है इसका, तो होना तो नहीं चाहिए। लेकिन भाई देखो, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। कई राजनीति के चलते जैसे कभी पता होता है कि हम आरक्षण पूरा कर देंगे, 70% कर देंगे हम, 100% फिर आएगा कि 100% आरक्षण कर देंगे फिर, तो वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, वो पॉलिटिक्स है। तो उसके चलते कई बार हो सकता है कि आ जाए कि हम इसका राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं। अच्छी बात भी है, बुरी बात भी हो सकती है, मुझे इस सब में नहीं पढ़ना है। फिलहाल के लिए अभी इसकी ज़रूरत नहीं है और ज़्यादातर संभावनाएं यही हैं कि नहीं होगा। हाँ, अगर ये राष्ट्रीयकरण वाला बात आया है तो मैं बता दूं कि पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स को लेकर, इसमें हमने डिस्कस किया था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों करना पड़ा, क्या ज़रूरत थी, और आज़ादी के बाद कौन से बैंक थे, उन आज़ादी के पहले उनका क्या नाम था, राष्ट्रीयकरण होकर के वो कौन से बैंक बने, तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात किया है हमने। अगर आपको दिलचस्पी है तो उसको देख लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी मैं लगा देता हूँ, तो वहाँ से भी आप उसको देख लेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि इसमें है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लोन में फ्यूचर बैंक का 2.0 ज्वाइन करूं, तो लोन अमाउंट कब से कटना स्टार्ट होगा, कितने साल तक ईएमआई चलेगा, ईएमआई कितना होता है, और बाद में लोन ईएमआई बढ़ा सकता हूँ क्या? तीन चार क्वेश्चन हैं इनके एक साथ। तो अगर आप लोन के थ्रू ज्वाइन करेंगे तो आपका जब से मतलब लोन अप्रूव होगा, डिसबर्स होगा, उसके बाद आपको 18 महीने का समय मिलेगा। मतलब 12 महीने का तो आपका कोर्स ही है, उसके बाद आपको 6 महीने का मोरेटोरियम पीरियड कहते हैं उसको, तो वो मिलेगा आपको, उसके बाद आपकी ईएमआई कटनी शुरू होगी। तो उसमें ये होता है कि जैसे मान लो कभी लेट आउट हुआ, एक साल का तो आपका कोर्स है, पर एक दो महीने अगर इधर उधर हुआ तो हो सकता है कि आपको सैलरी देर से मिलना शुरू हो। तो वैसे इसकी गुंजाइश एक दो महीने की होती है, लेकिन फिर भी आपको 6 महीने का समय दिया जाता है कि थोड़ा सा टोटल हो जाए, उसके बाद आपकी ईएमआई कटनी शुरू होती है। इंटरेस्ट इसमें आपको पहले दिन से पड़ता है, जब से लोन आपका डिसबर्स होता है तब से ब्याज तब से पड़ता है, लेकिन आपका जो अमाउंट है वो ईएमआई का वो 18 महीने बाद डिडक्ट होना शुरू होता है। उसके बाद है कि ईएमआई कितना होता है, तो वो डिपेंड करता है कि आप लोन कितना ले रहे हो, कितने समय के लिए ले रहे हो, और तो वो सब डिपेंड करता है, वो ये वेरिएबल हैं, है ना, इसमें ये बदलती हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि क्या अमाउंट और उस पर है, तो वो छोड़ दीजिए। और बाद में लोन ईएमआई बढ़ा सकता है क्या, मतलब इनका ये कहने का है जैसे मान लो अभी 7,000 रुपये कट रहा है, तो क्या मैं चाहूँ तो उसको बढ़ा के 10 कर लूँ जिससे उसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा, और वो तो आप डायरेक्ट उतना ही ले लीजिए क्योंकि 18 महीने का तो समय मिल रहा है जब आपकी सैलरी आने लगेगी, तो आप डायरेक्ट ही उसको बढ़ा के ले लीजिए, टेन्योर आप कम कर लीजिए। तो जिस तरीके से आप होगा, आप अपने जो सेल्स मैनेजर होंगे उनसे बात कर लीजिए, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या वगैरह, मतलब कि क्या आपकी ईएमआई रहेगी और क्या ड्यूरेशन रहेगा, ड्यूरेशन वहाँ से आप कम कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एचडीएफसी 2.0 डिप्टी मैनेजर का को कितना परसेंट सेल्स और कितने परसेंट ऑपरेशन होता है, प्लीज टेल मी, मेरे हर एक क्वेश्चन का आंसर देना। देखो सबसे पहले तो आप, अगर आपको हर क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ कारण ये है कि कम लोग हैं, तो कम लोग होते हैं तो क्वेश्चन कम आते हैं, तो जब कम क्वेश्चन रहते हैं और वो हमें अलग से दिख भी जाता है, वो हमें स्पेशली अलग से उस पर पॉपअप आता है, तो हम उस पर ज़्यादा आसानी से ध्यान दे लेते हैं। मेंबरशिप ले लेंगे तो उसमें हम आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली कर पाएंगे। अब आपका क्वेश्चन है कि कितने परसेंट सेल्स और कितने परसेंट ऑपरेशंस होता है,
2.0 में देखो ऑपरेशंस कुछ नहीं होता इसमें, सेल्स ही होता है। आप 99% सेल्स मान लीजिए और सर्विस मान लीजिए, तो जितना आपका आप खाली आपका सेल्स का ही है तो उसमें आप ऑपरेशंस वगैरह भूल जाइए। ऑपरेशंस में आपको जो मेन ऑपरेशन जो कोर ऑपरेशंस होता है वो नहीं है इसमें, 1% नहीं है। बाकी छोटा मोटा इधर उधर का वो सारी चीज़ें वो अलग बातें हैं, वो आपके सेल्स मतलब सेल्स का ही पार्ट हो सकता है, बाकी ऑपरेशंस कुछ नहीं है, प्योर सेल्स जॉब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि मैंने HDFC एस बैंकर का टेस्ट दिया, फेल हो गया उसमें उन्हीं इंटरव्यू क्वेश्चन टाइप वाले इंटरव्यू टाइप वाला क्वेश्चन की वजह से। अच्छा, वो जो AI इंटरव्यू होता है उस क्वेश्चंस की वजह से। मुझे अब कोई दूसरा प्रोग्राम बताओ कौन सा करूँ, एक्सिस का यंग बैंकर या HDFC का 2.0? कर सकते हो आप HDFC बैंक का 2.0 कर सकते हो, यंग बैंकर कर सकते हो। एक्सिस में ऑपरेशन का है तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो ऑपरेशंस में, और ICICI का जा सकते हो, एस बैंक का जा सकते हो, कई सारे हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। तो उसमें मैं क्या अलग से सजेस्ट करूँ, आप अगर इन दोनों में बात करें तो यंग बैंकर में जा सकते हो आप, HDFC 2.0 में भी जा सकते हो। दोनों का आप टेस्ट दे लो, जो क्लियर हो जाए जहाँ सिलेक्शन हो जाए चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में तो 1.5 साल 2 साल बाद में अगर आपको लगेगा कि मुझे ये नहीं वो चाहिए तो स्विच कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने वीडियो तो बनाया हुआ है जिसमें मैंने कंपेयर किया है HDFC का फ्यूचर बैंकर, एक्सिस का यंग बैंकर और ICICI का PO प्रोग्राम, तो तीनों को मैंने कंपेयर किया है। तो वो वाला देख लीजिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि किसमें क्या मिल रहा है। जिसमें आपको लगे कि ये अच्छा दे रहा है हमें, वो हमें ज्वाइन करना चाहिए, आप उसमें चले जाओ, तो उसमें कुछ नहीं है। यहाँ मतलब ऐसा मैं बताऊँ, आप खुद से एक बार कर लो, आप डिसाइड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस बैंकर में भी सेल्स ही होता है, मतलब क्वेश्चन क्या मतलब ऐसे डायरेक्ट इनका लिखा हुआ था तो मैंने सोचा चलो इस पे थोड़ा बात। एस बैंकर में सेल्स ही होता है नहीं, सेल्स भी होता है। देखो ही होता है भी होता है, थोड़ा सा अंतर है। सेल्स ही होता है मतलब कि खाली सेल्स ही होता है, और सेल्स भी होता है मतलब हुआ कि ये मतलब सेल्स भी इसके पार्ट ऑफ जॉब। तो इसमें क्या है, जैसा मैंने अपने एस बैंकर के वीडियो में मैंने कई बार बात किया हुआ है, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि सेल्स का इसमें 10-20% लगभग होता है। मेन जो कोर ये प्रोफाइल है वो ऑपरेशंस की है, जो ब्रांच बैंकिंग में ऑपरेशंस है। लेकिन समस्या वही है कि ब्रांच बैंकिंग में जो भी काम होता है वो बिना सर्विस और बिना सेल्स के नहीं होता है, तो ऑपरेशंस भी सेल्स का एक पार्ट है। एस बैंकर के थ्रू जो प्रोफाइल मिलेगी वो भी उसमें भी सेल्स एक पार्ट है जॉब रोल का। कि जॉब रोल का मैंने वीडियो बनाया है उसको देख लीजिए, उसमें आपको और अधिक क्लियरिटी हो जाएगी कि इसमें कितना सेल्स है और कितना ऑपरेशंस है। सो आई होप कि ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक करिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सामने जो वीडियो दिख रहा है इसको देखिए। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय।